नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क मैंगो शेक ड्राई फ्रूट के साथ, बहुत ही यम्मी। तो आइए देख लेते हैं सामग्री कि इसे हम किस तरह से बनाए हैं। मैंगो शेक तो सबको पसंद आता है, गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पे तो ज़्यादा ही पसंद है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा पका 2 मीठा आम ले लिया है और इसके साथ दूध, चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। हमें चाहिए इसके लिए मिक्सर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आम का छिलका उतार के इसे छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, क्योंकि मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है कि मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े हम यहाँ पे कर लिए। अब इसे हम डाल देते हैं मिक्सर जार में और यहाँ पे हम 2 मैंगो का बना रहे हैं और इसमें 2 बड़े ग्लास से बन के रेडी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 आम का ही मैंगो शेक बना रही हूँ और यहाँ पे हमने आम के साथ ही चीनी डाल दिया है और इसमें हम 2 से 3 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि मैंगो शेक थोड़ा मीठा होगा तो ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने दूध बहुत भी नहीं, 1 पाव के करीब दूध। मैंगो शेक बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बस चीनी, दूध और मैंगो, बस इसे हम मिक्स कर लिए और इसको अच्छे से पीस लिए हैं। देखिए हो गया। अब इसके अंदर आप जो भी चाहे ड्राई फ्रूट डाल लिए और इसको ग्लास में अपने मनपसंद रुआबजा डालना चाहें या जो आपको अच्छा लगे डालिए, सर्व करिए। तो इस तरीके से हम एक अच्छे से 2 ग्लास में इसको सर्व कर लेते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा इसके ऊपर आइसक्रीम हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, वैसे डाल के देंगे तो थोड़ा देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट और 1-1 चम्मच घर का जो बनाया हुआ कुल्फी आइसक्रीम था वही डाले हैं। तो यहाँ पे हमने घर पे ही कुल्फी आइसक्रीम बनाया था और बस इसी का 1-1 चम्मच ऊपर से डाल दिए हैं। बस हो गया। दोनों का कलर भी सेम लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने कोई फिल्टर या ऐसा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि जो है रियल वही यहाँ पे हमने डाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा कलर, कुल्फी का कलर तो बिल्कुल एकदम जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो इसका भी रेसिपी हम बनाए हैं, आपको अभी आगे के रेसिपी में आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो दोस्तों इसके अंदर 1-1 चम्मच हमने कुल्फी डाला है और लीजिए मैंगो शेक बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहे तो रुआबजा डाल लीजिए और वो चॉकलेट सिरप जो आपको पसंद हो वैसे डालिए, ना डालना चाहे तो भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंगो शेक तो एक अलग ही टेस्ट होता है, इसमें कुछ ना ही डाले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से इसको देखिए कितना परफेक्ट बना है, स्वाद तो पूछिए मत, इतना स्वादिष्ट कि हमारे पति को बहुत ही पसंद आया है। तो उनका भी आइए दिखाते हैं कि उन्हें कितना पसंद आया और मैंगो शेक उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अक्सर करके हम बनाते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे हमने रेसिपी भी शेयर पहले भी किया है, आगे भी, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और ये बहुत ही खुश हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मैंगो शेक को टेस्ट करके बताया और बोला कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।